देखिए धारू हेड़ा में नगर पालिका चेयरमैन पद के उपचुनाव का किस कदर डंका बज गया है। हम सीधा आ गए हैं जो राम निवास प्रजापति जी है उनके निवास स्थान पे, और एक बार हम आपको दिखा रहे हैं, कैमरा पर्सन दिखाएंगे, तमाम जो कार्यकर्ता आए हुए हैं उनका एक बार फुटेज दिखाएं, चेहरा दिखाएं कि किस तरीके से यहाँ रणनीति बनाई जा रही है, कि चुनाव को किस तरीके से अपनी गिरफ्त में लिया जाए और एक एक वोटर को किस तरीके से अपने घरों से निकाला जाए, उसको लेकर के रामनिवास प्रजापति और तमाम जो उनके समर्थक है 36 बिरादरी के लोग यहाँ आए हुए हैं, और एक बड़ी मीटिंग यहाँ चल रही है कि आखिर जो चेयरमैन पद का चुनाव है उसको लड़ना है, और लड़ने ही नहीं सिर्फ जीत करके झोली में अपने डालना है, और चेयरमैन पद की कुर्सी अपने यानी कि सिरे चढ़ानी है, उसको लेकर के पूरी रणनीति बनाई जा रही है। ये मजमा हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं कितनी भारी संख्या के अंदर यहाँ पर लोग आए हुए हैं, तमाम लोग हैं, किस तरीके से यह रणनीति बन रही है। और एक सबसे बड़ी बात जो हम आपको दिखाना चाहते हैं, यहाँ देख सकते हैं कितने बड़े बुजुर्ग आए हुए हैं, और देखिए बैठ लेकर के बकायदा बाबा बैठे हैं कि किस तरीके से रामनिवास जी को बताया जाए कि एक एक वोट को कैसे घरों से निकालना है, किस तरीके से पूरी टीम तैयार करनी है, और एक एक वोटरों को समझाना है कि आखिर रामनिवास जी जो चेयरमैन पद का चुनाव लड़ रहे हैं किन मुद्दों में लड़ रहे हैं, और धारूहेड़ा का विकास आखिर होगा तो कैसे होगा, किस तरीके से होगा। तमाम लोग हमारे साथ हैं जो रणनीतिकार हैं, वो हम आपको दिखाते हैं कि सबसे बड़ी रणनीति बनाई कैसे जा रही है। जनाब आप यहाँ रणनीति बना रहे हैं, सबसे बड़ी कैप्टन अजय सिंह यादव के भी आप साथ रहे हैं, तमाम आपने चुनाव लड़े हैं, क्या रणनीति यहाँ बन रही है? देखो जी, हमारा समाज संगठन हो चुका है और हर समाज के बंदे को इकट्ठा कर दिया है, और तन मन धन से हमारा समाज इस रामनिवास जी के साथ है। तो सुन लिया आपने, 36 बिरादरी के लोगों को यानी कि हर घर से 4-4 लोगों को लिया जाए, किस तरीके से एक एक वार्ड है जो 17 के 17 वार्ड है उनको काबू किया जाए, और एक पूरा टीम वर्क यहाँ पर बनाया जाए, उसको लेकर के काफी देर से यहाँ रणनीति बन रही है, उसको लेकर के रामनिवास जी आज आपने जिस तरीके से जनसभा बुलाई है, काफी लोग यहाँ आए हैं, क्या लगता है पूरी रणनीति में आ गए हैं आप लोग? हाँ जी सर, सबसे पहले मैं सभी भाई बहनों को हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करता हूँ, और जो इलेक्शन है ये सब भाइयों के आशीर्वाद से लड़ा जाएगा, 36 बिरादरी का मुझे समर्थन मिल रहा है, उन्हीं की वजह से इलेक्शन हम जीतेंगे। तो देख लिया आपने किस तरीके से जब मीडिया से बात करते हैं तब भी हाथ जोड़ के बात करते हैं, और ये इनका भोलापन, मासूमियत, और ये जो इनका मिलनसार भूमिका है ये कहीं ना कहीं लगती है तमाम लोगों को इनके साथ जोड़ेगी। और जिस तरीके से बड़े बुजुर्ग यहाँ पर आए हुए, देखिए तमाम लोग, आप पूरी रणनीति यहाँ बना रहे हैं कॉपी पेन लेकर के, तमाम लगता है एक एक वोटों को घर से निकालेंगे। देखो जी, जो रणनीति हमने बनाई है वो ऐसी रणनीति बनाई है कि हम हर वोटर का विश्वास हासिल करें और उनको साथ लेकर के, और भाई रामनिवास जी पर हमें भरोसा है और वो बढ़िया काम करेंगे इस धारवेड़ा ग्राम के जो नगर पालिका के लिए, और हम तहदिल से उनके साथ हैं, और हम जितने भी हो सकेगा हम सभी लोगों को साथ लाने की कोशिश करेंगे, साथ लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि आपको बता दें धारूहेड़ा में एक तरफ जहां करोड़पति चुनाव लड़ रहे हैं, वहीं रामनिवास प्रजापति जैसे जो मध्यम वर्ग के परिवार के लोग हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं, और आपको बताएं भारी पैसे का बोलबाला है, और ऐसे के अंदर रामनिवास जी को पैसे ना खर्च करके सीधा समझाया जा रहा है कि हम पैसा खर्च करने की स्थिति में नहीं है, आप हमें चुनाव जिताइए, और जब चुनाव जिताएंगे तो आपका विकास होगा। धारवेड़ा की सड़कें हमने आपको दिखाई, कल हमने आपको दिखाया था जब इनके घर से बाहर निकलते किस तरीके से वहां पानी बह रहा था, तमाम पार्षद यहां से जीते थे, किसी एक पार्षद की हिम्मत नहीं थी जो आकर के फोन करते प्रशासनिक अधिकारियों को कि पानी यहां से निकाला जाए। तमाम ये देखिए कितने बुजुर्ग, महिलाएं भी, बच्चे भी हैं, देखिए तमाम जो इनके परिवार के लोग हैं वो भी यहां लगे हुए हैं, और पूरे रिश्तेदारी आई हुई है कि एक एक वोटों को किस तरीके से समझाया जाए। रामनिवास जी रणनीति क्या बनाई है, थोड़ा सा खुलासा करेंगे, हालांकि नहीं बताना चाहेंगे कि आपकी सीक्रेसी आउट ना हो जाए, ये नहीं बता सकते। नहीं, किस तरीके नहीं, से वोटों में हाँ वोटों में तब्दीली, मुद्दे क्या मुद्दे हमारे रहेंगे, एक तो जैसे अपना सेक्टर में गंदा पानी बढ़ना, उसको सीवर द्वारा या ड्रेनेज द्वारा बाहर निकालना, ये आए दिन भगत सिंह चौक पे जाम लगता है, और अपना जो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल है बॉयज, वहां पर अंडर पास में पानी भरता है, जिस बच्चों को आने जाने दिक्कत रहती है जी, एक जो कच्ची कॉलोनी है उनको पक्का कराना, रेगुलाइजेशन कराना, बुढ़ापा पेंशन है, बेरोजगारी है, और स्ट्रीट लाइट है, और जो सड़कें टूटी फूटी गड्ढे पड़े उनके, एक हमारा जो पीएससी सेंटर है उसको 50 बेड में तब्दील करवाने की कोशिश करना, और जो गर्ल्स स्कूल है हरिनगर के अंदर मिडिल 5वीं तक उसको मिडिल स्कूल बनवाना है जी, और जो बहुत सी छोटी मोटी समस्या है जैसे एक सीनियर सिटीजन
है क्लब उनका समाधान करवाना। तो देखिए ये बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें मैं आ रहा हूँ आपके पास, एक बार कॉपी पेन लेकर के दिखाए देखिए किस तरीके से टीम तैयार की। हालांकि हम दिखा नहीं पाएंगे क्योंकि इनका अपना निजी मामला है, लेकिन किस तरीके से इन्होंने बूथ वाइज यानी कि एक एक बूथ पे अपने आदमी उतारे गए, और जो वर्करों की टीम है वो कहीं ना कहीं बता रही है ये युवा फोर्स देखिए पूरी तैयार है कि किस तरीके से एक एक वोटों को समझाया जाए जो स्थिति है कि आखिर विकास होगा तो कैसे होगा। 31 बूथ है और 31 बूथ पर हर बूथ पे 10-10 हमारा आदमी रहेगा और तमाम मुद्दे लेकर के जाएंगे और सारे टोटल जो मुद्दे हैं वो लेकर जाएंगे। पूरा मैनिफेस्टो तैयार हो रहा है यहाँ पर कि क्या क्या होगा, एक एक वोटरों को समझाया जाएगा, जाया जाएगा उनके साथ। भाजी आप बताइए कोई और क्या नई रणनीति आप लोग बना रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि यहाँ पैसे वालों का भी बोलबाला है और आप मध्यम परिवार से हैं। देखो जी पैसे की तो मैं कह नहीं सकता कोई हम इतना वो खर्च करने में असमर्थ से हैं, पर बाकी हम पूरे गांव का के वोटरों का जो है और लोगों का विश्वास हासिल करने की कोशिश करेंगे, और हमारी जो युवा पीढ़ी है वो भी इसमें हमारा पूरा सहयोग दे रही है, और हमारे जो बुजुर्ग हैं वो भी हमारे जो है मार्गदर्शन हमारा कर रहे हैं इसमें, और हम उसके अनुसार ही पूरे गांव के अंदर जो है अपनी वोट जो है हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो हासिल करने का प्रयास करेंगे। चुनाव में महज 4-5 दिन का समय रह गया है और इन 4-5 दिन का कैसे सदुपयोग किया जाए इसको लेकर के पूरी रणनीति, क्योंकि हम आपको दिखा रहे चौक देखिए पूरा भर गया, बाहर तक लोग हैं, तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं, और एक एक कार्यकर्ता किस तरीके से वोटरों तक पहुंचे उनको समझाए तमाम चीजें, यानी कि सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि किस तरीके से यहाँ पर आप बताइए आप क्या रणनीति यहाँ पर बना रहे हैं तमाम लोग। आप सभी से प्यार से भाव से वोट मांगेंगे, हम किसी साथ भेदभाव नहीं रखेंगे और अधिक से अधिक प्यार से जितनी वोट के लिए वोट लेंगे, प्रकार से मैं हाथ पैर तो हाथ जोड़ के लेंगे और सबसे वोट रिक्वेस्ट करेगा अधिक से अधिक वोट देने, और ये चाहेंगे कि हमें आपके प्रजापति को अधिक से अधिक वोट देकर विजय बनाए। तो ये कार्यकर्ताओं की शैली है कि प्रजापति को साथ लेकर के चले, तमाम 36 बिरादरी के लोग यहाँ मैदान में आए। जी मैं सारे भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, एक मिनट, सारे भाइयों से रिक्वेस्ट करता हूँ, जब से भारत आजाद हुआ है उस दौरान से आज तक इस पद के लिए हमारी समाज से कोई आदमी गठित नहीं हुआ है, और ये पहला टाइम है जो कि ये समाज का हमारा गठन हुआ है और हम इसको पार करें। तो पार हो जाए, जाहिर है हर आदमी चाहता है कि चुनाव है, और प्रजापति समाज के यहाँ करीब 4000 वोट हैं और महिलाएं भी हमारे साथ हैं। आप कुछ बोलना चाहेंगे मैडम, क्या लगते हैं प्रजापति जी, आपके पापा लगते हैं? हाँ मेरे पापा लगते हैं। तो आप भी आए चुनाव प्रचार में? बिल्कुल आए। तो जाएंगे डोर टू डोर महिलाओं का संगठन करके? पूरा बिल्कुल जाएंगे जी। तो अब जो रणनीति बन रही है कल से आपका लगता है जगह जगह कंपेनिंग होगी आपकी? बिल्कुल ऑब्वियसली, सब लोग मुझे जहाँ तक मैं सब लोगों को देख रही हूँ सारे के सारे सपोर्ट कर रहे हैं, और ऐसा बस सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि सब लोग अपना पूरा सपोर्ट दें, पूरा सपोर्ट दें। तो ये बेटी है देखिए रामनिवास प्रजापति जी की, और सीधे कमान संभाली, पढ़ी लिखी भी लग रही है बातों से, तो जाहिर है तमाम अब लोग जाएंगे मैदान में कल से, और जिस तरीके की जो रणनीति बनाई गई है वो लगता है कहीं ना कहीं पूरे चुनाव को अपनी गिरफ्त में लेने की पूरी रणनीति इन्होंने बना ली है, और कल से जिस तरीके से आपको बताएं तमाम लोग यहां से निकलेंगे अपने अपने घरों से, और जिस तरीके से भी हमें बताएगा कि किस तरीके से पूरी टीम तैयार करी है, 31 टीम है, वार्ड 17 है, तो हर वार्ड के अंदर 2-3 टीम इन लोगों ने तैयार कर दी है, तो जाहिर है कि 12 तारीख को जब मतदान होगा तो एक बार वोटर भी अवश्य सोचेगा कि क्यों ना प्रजापति को यहां से चुनाव जिता करके और चेयरमैन की कुर्सी पर बैठाया जाए, और धारूहेड़ा का जो विकास है वो रामनिवास जी से करवाया जाए। कैमरा पर्सन पंकज के साथ मोहनलाल, एचआर न्यूज, रेवाड़ी।